चलो ठीक है जी, आओ जी, सारे सभी आ जाए, कोई यहाँ रोक नहीं, सारे आ जाए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। उन्होंने पानी का जो सुविधा जो आज हमारे बच्चे बच्चियां सभी जाकर के उस पानी को, और सबसे अच्छा पिछले दिनों यहां पर एक बीमारी फैल गई, तो बाद में उन्होंने चेक करवाया तो पता चला कि ये पानी में जो है, ये पानी में कोई नुकसान, पानी में इन्फेक्शन है। तो वहां पर जितने भी वाजपेयी जी के टाइम के सही वाली बात नहीं थी, मैं आपको अपनी एक बात बता रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में कैद था और अडेला सेंट्रल जेल में बंद था मैं, तो ये कुलदीप जी जो है यहाँ से मेरे वाल साहब के साथ मेरी रिपोर्ट कर रहे थे, और एक छोटे से आदमी के लिए भी उनने अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि इस बंदे के लिए आप जेल में पता करो कि इसको किस हालत में रखा गया है। यह मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं बता रहा हूँ, मुझे वहां जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने आपके फर्स्ट सेक्रेटरी और सेकंड सेक्रेटरी को यहां पे भेजा आपको मिलने के लिए। तो भी जब वहां के फर्स्ट सेक्रेटरी जो कि आपके शर्मा थे और सेकंड बलविंदर हमपाल, वो आए, उन्होंने कहा जी फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने आपके बारे में पूछा है कि उनका क्या सूरत हाल है। तो ये थी नेशनलिटी के नाम पे मुसलमान को गुमराह किया जाए, और भाजपा से अगर किसी को नफरत है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन 100 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश का मतलब यह है कि एक बार फिर एक नया पाकिस्तान क्रिएट किया जाए। पहले ही आप पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते हो, ठीक है, इसलिए मुसलमान कि वो इस चक्कर में ना आए। आपकी नेशनलिटी, आपके बाप दादा यहाँ पे पैदा हुए, आपकी ये जमीन है, आप यहाँ पे जब आपका इंतकाल होगा इसी जमीन की मिट्टी आपको नसीब होगी, तो आपको कौन होते हैं वाजपेयी जी और हम मिनिस्टर नेशनलिटी देने वाले। तो इस बात को याद रखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी गुमराह किया जाएगा इस मुल्क के खिलाफ। इस्लाम का सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि वतन प्रस्ती हमारे नबी की सुन्नत है। इस बात को याद रखना है कि हमें बदनाम करने के लिए कांग्रेस अपनी कुर्सी के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहती है, तो हमें इस्तेमाल नहीं होना है। मैं यही कहूंगा, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी वो हैं, जब कांग्रेस ने गुजरात में दंगा करवाया था तो फिर भी मोदी जी का लिहाज नहीं किया उन्होंने। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के माथे पे बदनामा दाग है, लेकिन उन्हें ये पता था कि कांग्रेस का दंगा है। आज भी कांग्रेस ये दंगा करवाना चाहती है, और आप लोगों को होशियार रहना है। मैं इसी पे इक्तफा करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैसेज यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की सलामत। आज हमारे जो श्रद्धे हमारे पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 95वां जो है जन्मदिन है। पूरे भारतवर्ष की तरह आज आप देख रहे हो पुंछ बॉर्डर जो है, यहाँ पर हमारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी का जितना वर्कर है सारा भारतीय जनता पार्टी का आपस में इकट्ठा है, और खुशी और हर्ष के साथ वाजपेयी जी को याद कर रहा है। उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने की कोशिश करते हैं, और उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, क्योंकि आज जो बीजेपी जिस मुकाम पर पहुंची है, आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर खड़ी है, ये सारी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। चाहे वो बॉर्डर पर शांति रही, चाहे वो कोई भी काम हो, हैंडपम्पों का काम हो, PMGSY रोडों का काम हो, ये सब काम जो हैं हमें आज हम उनको याद करके उनके कामों को, अच्छे काम जो बताए हुए वो याद कर रहे हैं, और बताए हुए उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।